नमस्कार दोस्तों, डेल्टा एकेडमी पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही रोचक विषय के साथ पुनः उपस्थित हूं और जो टॉपिक है वो लिया है ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन। अर्थात हम ये देखना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं और महासागरीय नितल की उत्पत्ति हुई है, जो महासागरों का बेस है, वो किस रूप में उसका उद्भव हुआ है, वो कैसे आया है। इसके बारे में बहुत सारे जो भूगर्भ शास्त्र रहे हैं, भूगर्भ शास्त्री जिन्हें हम जियोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं, उनमें से लॉर्ड केल्विन, लैपवर्थ, लव और बाद में कुछ और भी लोथियन ग्रीन जैसे लोगों का नाम आता है, या फिर टेलर का आता है। टेलर के बाद में हम अगर बात करते हैं वैगनर हैं, और वैगनर के बाद में अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान में जो विचारधारा प्रचलित है वो टेक्टोनिक की विचारधारा है, जिसे एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम हैरी हैस के रूप में हम लोग समझते हैं। और हैरी हैस ने 1960 में इस टाइप के जो प्रतिपादन किया था कि जो अर्थ का सरफेस है, जो क्रस्ट है, वो अलग अलग क्रस्टों में, टुकड़ों में बटा हुआ है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट के रूप में जानते हैं। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय है वह है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर, अर्थात वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या था। हम पहली वाली जो चर्चाएं हैं उन्हें हटा दे रहे हैं, आज हम बात करेंगे वैगनर के सिद्धांत से। वैगनर जो हैं वो जर्मनी के एक जलवायु वेता और भूगर्भ शास्त्री रहे हैं, और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो 1912 में दिया, लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के कारण इनके जो सिद्धांत थे, इनकी जो थ्योरी थी या जो इनका काम था, उस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं गया, इसलिए बाद में उस पर चर्चा हुई। और यह चर्चा जो है 1915-1920 के समय के बाद शुरू हुई थी। दोस्तों, वैगनर के समय एक धारा प्रचलित थी, लोगों का यह मानना था कि जो महासागर हैं, जो ओशियन हैं, उनका जो बॉटम है वो कांस्टेंट है, एक स्थिर है, कोई मोमेंट उसमें नहीं होता है। इसी रूप में महाद्वीपों की स्थिरता की भी संकल्पना मानी गई थी, लेकिन वैगनर ने एक डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस दिया अपना, जिसे हम प्रतिस्थापना परिकल्पना कहते हैं, और उसके आधार पर उन्होंने जो ऊपर की बातें थी कि भाई वैगनर जो महासागरों की तली है और महाद्वीपों की जो स्थिरता की संकल्पना है वह गलत है, और इसका जो उन्होंने कारण दिया उसके पीछे दो कारण मुख्य थे। भूमंडल पर अनेक ऐसे क्षेत्र मिले हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर जो जलवायु में समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहाँ पर आजकल लोनार लेक है, तो वहाँ पर ऐसे भी जानकारी मिलती है कि वहाँ पर कभी ना कभी ग्लेशियरों का स्थान रहा होगा, लेकिन वर्तमान में वो ट्रॉपिकल जोन में आता है और कर्क रेखा के पास का क्षेत्र है, इसलिए वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। तो ऐसे स्थल पर पृथ्वी पर वर्तमान समय में कहीं पर भी ग्लेशियर होने की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन भूगर्भ शास्त्रियों को ये सबूत पक्के रूप से मिले हुए हैं कि महाराष्ट्र में भी कभी ना कभी ग्लेशियर रहे होंगे। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अनेक हमारे पास प्रमाण हैं कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं, और इसको हम ऐसे देख सकते हैं दो रूपों में। एक तो जलवायु जो कटिबंध है, हमारे जो जोन है, क्लाइमेटिकल जोन, जैसे ट्रॉपिकल जोन है, सब ट्रॉपिकल जोन है, इसी टाइप से जो अगले जोन्स हैं उसके बारे में, तो उन या तो वो स्थानांतरित हुए होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे, जो कि असंभव है। तो ऐसा अगर हुआ होगा तो एक ही स्थल पर कभी ठंड रही होगी, कभी गर्मी रही होगी, कभी बहुत ज़्यादा बरसात रही होगी, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। और अगर जो जोन है हमारे, क्लाइमेटिकल जोन है, अगर वो विस्थापित नहीं हुए, डिस्प्लेस नहीं हुए, तो इसका मतलब जो स्थल हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं, वो विस्थापित हुए होंगे। तो दोस्तों, इसी को आधार मानते हुए
जो वैगनर रहे थे, वैगनर ने एक तथ्य को माना कि पृथ्वी का जो आरंभिक वो रहा होगा, पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट रहे होंगे वो किसी एक ही पार्ट का हिस्सा रहे होंगे। और आप लोग देख भी रहे होंगे ये ट्रायंगुलर शेप है सबकी, और ये आपस में इनका बेस इस टाइप से करके हम इसे मान सकते हैं। इसी टाइप से यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट इन सबको मान सकते हैं। तो ये अगर एडजस्ट करके देखते हैं तो सब एक दूसरे में फिट हो जाती है। ये इस टाइप से करके फिट हो रही है, और ये इसमें इधर टाइप फिट हो रही है, और इसी तरीके से। और दोस्तों, इसके पीछे जो कारण रहा होगा वो क्या होगा, ये सब फिट कैसे हो जा रही हैं? हमें वैगनर ने ये बताया कि जो भू कार्बनीफेरस एज में, अगर हम जियोलॉजिकल एज की बात करते हैं, तो कार्बनीफेरस एज में पृथ्वी के सभी कॉन्टिनेंट जो हैं वो एक जगह जुड़े हुए थे, जिन्हें हम पैंजिया के रूप में जानते हैं। पैंजिया ये क्या था? पैंजिया, पैंजिया एक स्थल का बड़ा भाग था जिसमें सभी महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे। और इस पैंजिया के चारों तरफ, ये जो पैंजिया है इसके चारों तरफ एक बड़ा ओशियन था जिसे हम पैंथालासा के रूप में जानते हैं। पैंथालासा दोस्तों, पैंजिया का जो उत्तरी भाग था वो लॉरेशिया कहलाया, ये लॉरेशिया है, और जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। साथ ही साथ इसके बीच में एक सागर था जिसे नाम दिया टेथिस। टेथिस तो पैंजिया पूरा एक अर्थ का जो कॉन्टिनेंट है उन सब का मिला जुला रूप पैंजिया है। जो उसके चारों तरफ का ओशियन है वो पैंथालासा है। पैंजिया दो भागों में बटी हुई थी। उत्तरी भाग हमारा लॉरेशिया कहलाया, लॉरेशिया, लॉरेशिया, जबकि दक्षिण का जो भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना। बीच में जो समुद्र था वो टैथिस सी कहलाया, टैथिस सी। ये पूरा भाग पैंथालासा, पैंजिया, और जो समुद्र है वो पैंथालासा, बीच का समुद्र टेथिस, दक्षिण भाग पैंजिया का गोंडवाना, और उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया। ये नाम वैगनर ने रखे। और ये जो समय था वो जो कार्बोनिफेरस एज है जियोलॉजिकल, आप लोगों ने सुना भी होगा, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बनीफेरस, इस टाइप से करके। तो कार्बनीफेरस एज की बात चल रही है। उस समय पर आप ऐसे देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये कार्बनीफेरस एज का है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कार्बनीफेरस एज का पैंजिया है। उसके बाद इसमें जो बदलाव हो रहा है वो ईओसीन एज का है। ये ईओसीन, ईओसीन एज, इसमें थोड़ा सा ये कॉन्टिनेंट अलग हुए। और ये जो है प्लिस्टोसीन एज का है, जो लगभग 10 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ और 1 लाख 10 हज़ार साल तक चलता रहा। तो ये प्लिस्टोसीन एज के समय का है। इसे हम वन बाय वन करके देख सकते हैं। ये हमारा कार्बनीफेरस एज, कार्बन, ये कार्बन के समय का है। इसमें पूरा का पूरा पैंजिया एक जगह दिखाई दे रहा है। ये बीच का जो हिस्सा है ये हमारा टैथिस सी है, और ये पैंथालासा है। ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा लॉरेशिया, और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड। आप इसमें इंडिया देख सकते हैं। ये एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिया का हिस्सा है, ये वाला। और ये ऑस्ट्रेलिया कभी इससे जुड़ी हुई थी, ये मेडागास्कर वाला हिस्सा है, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जुड़ती थी। बाद में ये इधर चली गई और इंडिया ऊपर की तरफ चला गया। ये वाला हिस्सा विंध्याचल का है, और ये जब लॉरेशिया से टकराया तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे
हिमालयन की रेंज आ गई। तो दोस्तों इसके बाद जो ईओसीन एज आती है, ईओसीन एज में इनका अलगाव जो है कॉन्टिनेंट का वो अलग देखने को मिल गया। आप लोग देख रहे होंगे इंडिया के रेस्पेक्ट में ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है इस टाइप से करके, और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है और ये हमारा अंटार्कटिका, इस टाइप से करके ये रेड सी और ये मेडिटेरियन सी, रेड सी ये सब ये एक हिस्सा था जिसे हम टेथिस सी के रूप में जान रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जो प्लिस्टोसीन एज था लगभग अब से जो 10,000 साल पहले ख़त्म हुआ है, 10,00,000 साल पहले से चलकर, उस समय पर स्थिति ऐसी थी। अब ये स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट कैसे हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि क्या ये थ्योरी सही है, तो ये थ्योरी बिल्कुल एकदम सही है क्योंकि इसके बहुत सारे एविडेंस हमें फॉसिल के फॉर्म में मिले हैं। फॉसिल आप लोग जानते होंगे जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म जो है पुरा जो जीव है हमारे पुराने जीव, उनके कंकाल चट्टानों में दबे हुए मिल जाते हैं, इसलिए फॉसिल एविडेंस ऑफ द ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल सुट्रोसर्स, ये एक डायनासोर का नाम है, ये यहाँ पर मिला है, इंडिया का हिस्सा है जो छोटा नागपुर के पठार के आसपास का क्षेत्र है। इसी तरीके से यहाँ पर एक फॉसिल है, ये अफ्रीका का है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके फॉसिल मिलते हैं, जबकि इसके फॉसिल ऐसे मिलते हैं। तो ये फॉसिल यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, इसके लिए वैगनर ने माना कि महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा था। तो दोस्तों इस विस्थापन को और प्रूफ करने के लिए वैगनर ने और भी बहुत सारी बातें दी, और उसमें उन्होंने यह माना कि जो पुराना समय था उसमें जो जलवायु संबंधी परिवर्तन हुए उनका समाधान कैसे हुआ होगा। तो जैसे जैसे वैगनर जो हैं वो कई सारी कुछ चीज़ें बताने में सक्षम हुए, कि वैगनर ने कई सारी ऐसी बातें बताई जैसे कार्बोनिफरस एज में जो दक्षिण गोलार्ध का ब्राज़ील, फॉकलैंड, अफ्रीका का जो कारू प्रदेश है और भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में हिम का प्रसार था कार्बोनिफेरस एज में, जो अब से लगभग 18 करोड़ साल पहले की बात है। कार्बोनिफेरस युग में सभी जो स्थल पिंड थे वो एक भाग के रूप में थे, जिन्हें हम पेंजिया के रूप में जान रहे हैं। जब हिम चादर का फैलाव होगा तो जो दक्षिणी ध्रुव के उक्त स्थान थे ऊपर हिम आवरण छा गया होगा, और बाद में महाद्वीपीय प्रभाव के कारण स्थल भाग अलग हो गए। इसी तरह ग्लोप्सोसीप वनस्पति का भी विवरण उस समय पर आया, वनस्पतियाँ मानी गई हैं कुछ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई, और इससे हमें ये पता लगता है कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो हमारे मूवमेंट कर रहे हैं। दोस्तों इस मूवमेंट को कई और कारणों से हम देख सकते हैं, जैसे स्कैंडिनेविया और अटलांटिक ओशियन है, उन सब में जो फॉसिल की हम बात कर रहे हैं उन सबको एक आधार मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर वैगनर ये स्पष्ट कर पाए कि जो महाद्वीप हैं हमारे वो फ्लोट कर रहे हैं, वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और यह प्रक्रिया आज भी चल रही है। इसलिए आप लोगों को पता होगा कि प्रतिवर्ष जो है वो हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है, और जो हिमालय वाला रीजन है उसमें इसी कारण से कई बार जो भूकंपीय हलचल हैं वो देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों पेंजिया आज का जो मुख्य उद्देश्य था बताने का, वैगनर के जो ड्रिफ्ट सिद्धांत है, ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसमें ये है कि पेंजिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट के हिस्से के रूप में, और दूसरा पेंथालासा, गोंडवाना, लॉरेशिया और टेथिसी, ये सब हमारे वैगनर के सिद्धांत से मिले। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियाँ थीं और उन कमियों को बताना आवश्यक है। आप लोग उसे देख सकते हैं बाद में कैसे स्पष्ट हो पाया, और उसे हमने टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर किस तरीके से समझाने की कोशिश की है तो उसमें देख सकते हैं। वैगनर ने जो बातें की थी वो कुछ अनमैथमेटिकल्स देखने को मिली, और उसने जो बल थे महाद्वीपियों के प्रवाह के लिए वो अनुपयुक्त मिले, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीप में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वर्तमान ज्वालीय बल का मान बहुत अधिक हो, और इतना बल महाद्वीप
द्वीपों के प्रवाह के समय रहा हो तो पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन है वो एक ही वर्ष में बंद हो जाएगा, ऐसे कुछ एविडेंस मिले थे, तो इन पर हम चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ वैगनर ने कुछ और विरोधी बातें बताई, जैसे सियोल और सीमा पर बिना रुकावट के तैरना। बाद में बताया कि सीमा से सियोल का रुकावट आई, तो ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, आज का जो मुख्य बात थी वो पैंजिया के संदर्भ में थी, और मुझे आप लोग समझ गए होंगे कि जो महाद्वीप हैं वो उनका प्रभाव लगातार बना हुआ है। इसी टाइप की एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।